चलो नोट करना आ गया, फंक्शनल आइसोमर। क्लियर, फंक्शनल आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ा होगा ये फंक्शनल आइसोमर। नाम से पता लग रहा है इसके कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देर इज डिफरेंस इन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बट देर इज डिफरेंस इन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के टाइप में डिफरेंस आएगा इसके अंदर। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल लिया मैंने इथेनॉल, इथेनॉल। तो मैंने तुमसे पूछा कि इसका फंक्शनल आइसोमर बनाओ, इसका फंक्शनल आइसोमर बनाओ। ध्यान रखना तुम्हें सोचना कैसे है इसको, कि एल्कोहल है ना, एल्कोहल में एक ओ आता है, एल्कोहल में एक ओ है, और एक और किस किस में आता है? ये ईथर में आता है, एल्डिहाइड में आता है ना, ईथर में आता है, एल्डिहाइड में आता है, कीटोन में आता है, एपोक्सी में आता है, फिनॉल में आता है। ये सब इसके फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, ये सब इसके क्या हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर। लेकिन हमें वो सोचना है कि उसमें सिंगल बॉन्ड भी रहे। तो सिंगल बॉन्ड अगर तुम सोचोगे तो सिंगल बॉन्ड किस में आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा सिर्फ ईथर के अंदर, सिंगल बॉन्ड सिर्फ ईथर में आएगा। इसलिए इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो क्या होगा, CH3OCH3। वो तो तुम चेक भी कर सकते हो, दोनों का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है दोनों का, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या है, C2H6O। सो दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर, दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। जैसे मैंने OH लिया, OH का मैं SH ले सकता हूँ। थायोल्स को मरकैप्टन्स भी कहते हैं, याद रखना मरकैप्टन्स ज्यादा यूज होता है, MERCAPTANS, मरकैप्टन्स। तो थायोल्स हैं तो थायो ईथर्स, थायोल्स है तो क्या आ जाएंगे, थायो ईथर्स, सही ना, थायोल्स तो थायो ईथर्स। तो ये दोनों भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर, दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही अगर मैंने मान लो ले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ले लिया, CH3CH2CHO, एल्डिहाइड ले लिया, तो अब इसमें भी एक ओ आ रहा है लेकिन डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो कीटोन लेंगे, तो कीटोन ले लेंगे। और कीटोन लिया है और साइक्लिक में इपॉक्सी ईथर्स भी आ सकते हैं, यानी मैंने इपॉक्सी ईथर भी ले लिया, ये इस तरीके से कर CH3 इपॉक्सी ईथर, समझ गए ना। ये भी क्या है, C3H6O, चेक कर लो ये तीनों क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड इपॉक्सी ईथर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स ले लिया ये। और इसके अलावा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल अगर मैं और एग्जाम्पल कहूँ तो जैसे अमीन, तीनों अमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, C3H7NH2, C2H5NH3, CH3 होल थ्राइसन। ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ऑल द थ्री दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या, फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइड्स एमाइड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसकी ताकि तुम और क्लियर रहे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइड्स। जैसे लिया मैंने C2H5CO NH2, ये प्राइमरी एमाइड। दूसरा एग्जांपल CH3CO NH CH3 सेकेंडरी एमाइड, HCl bond O NCH3 होल ट्वाइस टर्शरी एमाइड। ये भी तीनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मींस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइड्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमाइड्स। इसके अलावा बोलो तुम लोग, जैसे नाइट्रो एल्केन्स, एल्काइल नाइट्राइड्स, CH3NO2, CH3ONO, नाइट्रो एल्केन है ये एल्काइल नाइट्राइड है। सेवन CH3CN साइनाइड, तो फिर आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स। ये 14-15 फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं यहाँ पे। और एग्जांपल दो तुम लोग, साइनाइड आइसोसाइनाइड। और इसके अलावा बोलो क्या होगा, सर एल्काइन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। हाँ, एल्कोहल फिनॉल्स भी आ सकते हैं, एल्कोहल और फिनॉल। इसमें एग्जांपल जैसे ये CH2OH, ये क्या है, एल्कोहल की फिनॉल है ये, सर ये तो एल्कोहल है। और ये ऑर्थोक्रेसोल, ये फिनॉल है। तो ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, है ना, फंक्शनल आइसोमर्स है। और इसके अलावा डाइईन और एल्काइन, डाइईन और एल्काइन को भी फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं, डाइईन और एल्काइन। और बोलो सर इसके साथ साइक्लोएल्केन, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो सर, आपने पिछले 4-5 मिनट में क्या करा है, मेरे ना वॉइस नहीं कनेक्ट हो रही। ये मैंने फंक्शनल आइसोमर्स कराया यहाँ पे, एक बार देख लो, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ।
मैंने ये बताया फंक्शनल आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें डिफरेंस आए किसके अंदर, फंक्शनल ग्रुप के अंदर, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। जैसे एग्जांपल लिया अल्कोहल है तो ईथर, एक ऑक्सीजन है तो इसमें भी एक ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। दूसरा थायोल लिया तो थायो ईथर, थायोल्स को हम मरकैप्टन्स भी कहते हैं, थायोल्स को हम क्या कहते हैं, मरकैप्टन्स। प्रोपेनल लिया तो एल्डिहाइड था तो कीटोन बन गया और साथ में इपॉक्सी ईथर, ये तीनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। C3H7NH2 लिया तो C5NH3, ये दोनों भी क्या है, और ये तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइड्स, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। फिर नाइट्रो एल्केन्स तो एल्काइल नाइट्राइड्स, साइनाइड तो आइसोसाइनाइड, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। समझ गया कि नहीं ये? यस सर। अर्णव? यस सर। इसके अलावा मैंने लिया अल्कोहल तो ये फिनॉल, ये दोनों भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। डाइन है तो एल्काइन, ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ये भी ना रिंग चेन में काउंट होते हैं, इसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये रिंग चेन में काउंट होते हैं, तीन कार्बन है, रिंग चेन आइसोमर्स बोलते हैं अलग से, रिंग चेन आइसोमर्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं बोला अभी। और इसके अलावा बोलो एग्जाम्पल, और इसके अलावा एग्जाम्पल देखो, और इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एसिड, तो एसिड का एस्टर बनेगा कि नहीं, इसके बनाओ फंक्शनल, चलो इसके बनाओ जरा C2H4O2, इसके फंक्शनल आइसोमर बनाओ कितने बन सकते हैं, C2H4O2, एक मैंने बना दिया CH3COOH, और बनाओ CH3COOH बना दिया, और ट्राई करो, बोलो बोलो सर, कीटोन बना, कीटोन तो बनेगा नहीं ना, इसका कैसे बनाओगे, जैसे कीटोन अब दो ऑक्सीजन सोचो और डबल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड किसमें आता है, एसिड में है तो एस्टर आएगा, मिथाइल मिथिनोइड, मिथाइल मिथिनोइड आए बस, समझ के नहीं, यस सर, चलिए मिथाइल मिथिनोइड, और बताओ क्या और बन सकता कोई इसका, और कोई आ सकता है इसका कि नहीं, देखो सर ये आ गया तो इसके अलावा ये आ जाएगा, कुछ इपॉक्सी टाइप का परऑक्साइड लिंकेज जो आई है, ये इसका फंक्शनल आइसोमर, इसके अलावा ये हो गया, और इसके अलावा इसमें OH लगा दो, कितने दो कार्बन हो गए ना, एक OH लगा दो, ये आ जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, ये देखो चक्कर हो, समझ आया कि नहीं, ये बोलो, हाँ बोलो सिद्धि, तो टू हाइड्रोक्सी इथेनॉल भी हो सकते हैं, तो एक मिनट, टू हाइड्रोक्सी, हाँ बिल्कुल सही है, ये हो सकता है फंक्शनल आइसोमर्स का, टू हाइड्रोक्सी इथेनॉल बिल्कुल हो सकता है।
अब जैसे क्वेश्चन आया, ये तुम्हें मैंने बता दिया, एक तरीका बता दिया सोचने का, है ना, सोचने का एक तरीका बता दिया। अब मैं तुमसे अगर बोलूँ जैसे मिनिमम कार्बन, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे अगर मैं बोलूँ तुम्हें सल्फोनिक एसिड और सल्फोनेट एस्टर, सल्फोनिक एसिड और सल्फोनेट एस्टर भी हो सकते हैं, सही ना, सल्फोनिक एसिड और सल्फोनेट एस्टर। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें समझ नहीं आया, ये देखो जरा, सल्फोनिक एसिड ले लिया मैंने, CCH5, CH2, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एच। और दूसरा एग्जाम्पल CCH5, CCH5 CH2SO3H आ गया, और इसको सल्फोनेट एस्टर में कन्वर्ट कर लो, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OCH3, ये सल्फोनेट एस्टर हो गया। तो ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा बताओ मिनिमम कार्बन कितने चाहिए, ध्यान सुनना क्वेश्चन, मिनिमम कार्बन कितने चाहिए टू शो स्ट्रक्चरल आइसोमर, मिनिमम कार्बन कितने चाहिए टू शो स्ट्रक्चरल आइसोमर। हाँ छवि कैसे, मिनिमम कार्बन टू शो स्ट्रक्चरल आइसोमर, छवि बोलो कैसे। हाँ वन चाहिए अनिल, होगा, साइनाइड और आइसो साइनाइड के केस में टोटल HCN और HNC, रहेगा, HCN HNC, है ना, मिनिमम कार्बन चाहिए इसमें। अनिश तेरा आंसर जीरो कैसे है। सर आप कार्बन को लोही में ताप, बाकी एटम्स लो नाइट्रोजन वगैरह, सिर्फ नाइट्रोजन की कोई चेन में और जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आ रही है तो फिर उसके अंदर जीरो कार्बन है। एग्जांपल बोल दो। सर आप दो दो सेकंड सोच के बताता हूँ। आएगा नहीं आंसर, जैसे अगर तू सोचेगा भी ना, AgCN AgNC आया, कार्बन आएगा ही, चैप्टर वो ना ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम ना, तो कार्बन तो आएगा ही इसके अंदर, फिर भी तू देख ले अगर कोई ओके तेरे सर। दिमाग में आता तो। ओके सर। HCN और HNC यही एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल HCN HNC। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे सर मेटाबॉलिक, ये तीन एजी तो, मैंने तो हाँ ये बस ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड नहीं है ना ये सिल्वर। हाँ बिल्कुल सही है, तुमने सही सोचा है। सिद्धि, AgNO2 और AgONO, AgNO2 और AgON, अगर जीरो ऑप्शन में आता तो मार्क कर सकते हैं इसको, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया तो फिर नहीं मार्क कर सकते, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट अब है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, जो मैं बताऊंगा तुम्हें उस तरीके से करना है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट देर इज डिफरेंस इन द कनेक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट देर इज डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देर इज डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। और इसकी वैलेंसी, इसको शो करने के लिए ना फंक्शनल ग्रुप के अंदर वैलेंसी होनी चाहिए टू और ग्रेटर देन टू। एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा समझ आएगा, जैसे ये ओ ओ शो करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी है ओ की, टू है ना, तो ये शो करेगा ओ की जगह एस आ जाए, ये शो करेगा ओ, शो करेगा एस, शो करेगा कीटोन, शो करेगा इस तरीके से कीटोन, शो करेगा कीटोन की जगह तुम, मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इसमें, एस्टर ले लो तुम, एस्टर शो कर जाएगा, ये भी मेटाबॉलिज्म शो करेगा। इसके अलावा अमीन से ले लेंगे, सेकेंडरी अमीन आ गया, सेकेंडरी एमाइड आ गया, मैंने बोला वैलेंसी ग्रेटर देन टू भी हो सकती है, तो टर्शरी अमीन आ गया, टर्शरी एमाइड आ गया, टर्शरी एमाइड आ गया, दे ऑल कैन शो मेटामेरिज, मेटामेरिज ये मेटामेरिज शो कर सकते हैं। इसके अलावा इवन तुम ये भी ले सकते हो एनहाइड्राइड वाला पार्ट, इसमें भी दो वैलेंसी फ्री है, तो ये भी शो करेगा, दे ऑल कैन शो मेटामेरिज, ये सब मेटामेरिज शो कर सकते हैं, है ना, ऑल कैन शो मेटामेरिज। जैसे एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ, मैंने लिया C3, सबसे सिंपल एग्जाम्पल C3H7SCH3, या स्कूल लेवल पे करेंगे तो OCH3 करना, OCH3 C3H7 OCH3। तो इसके मेटामर्स क्या बनेंगे, मेटामर्स क्या बनेंगे, डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी, या बुक्स में जैसे डेफिनेशन कई जगह लिखी हुई है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, वो प्रॉपर नहीं है, वो पूरी करेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ये पूरी करेक्ट नहीं है। कैसे, C3H7SCH3 है, अब मैंने लिख दिया CH3CH2SCH2CH3, ये दोनों मेटामर्स हैं कि नहीं,
चलो मैं इसके आइसोम बना देता हूँ, तुमसे पूछता हूँ मेटामर्स है कि नहीं। सी एच थ्री एस सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एस सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। और इसके अलावा चलो इन्हीं को करेंगे। मैंने चार एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, बताओ इलेवन वाले बच्चे बोलेंगे कोई भी, फर्स्ट एंड सेकंड मेटामर्स हैं कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स हैं। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर मेटामर्स, यहाँ पे तीन कार्बन है, यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ दो है, ऐसे करके सोच सकते हैं। मैंने क्या बोला डेफिनेशन में, एक तो वैलेंसी जो इसमें फंक्शनल रूप की वो दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट देयर इज डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप, बट देयर इज डिफरेंस इन द कनेक्टिविटी ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवेलेंट मींस दो या दो से ज्यादा वैलेंसी अराउंड द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें क्या है, कनेक्टिविटी का डिफरेंस भी देख सकते हो या नंबर ऑफ कार्बन, इस केस में चेक कर सकते हो। दो दो कार्बन इधर है, इधर एक है और इधर तीन है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान रखना मेटामर्स है, दे विल एग्जिस्ट इन पेयर। ऐसा नहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट ए मेटामर और नॉट, ये नहीं बोलेंगे। Will its metamer exist or not? इसका metamer exist करेगा कि नहीं करेगा? Metamers हैं, isomers जो हैं, they always exist in pair. Isomers always exist in pair. First and second are metamers. फिर ऐसे मैंने बोला first और third metamers हैं कि नहीं? या second और third बताओ पहले. Second और third metamers हैं कि नहीं? Yes. Yes. हाँ second third हैं. हाँ second third है ना? इसमें तीन कार्बन इधर, इधर एक कार्बन। अब बताना ध्यान से देख करके, फर्स्ट और फोर्थ मेटामर्स हैं कि नहीं? इलेवन सारे बच्चे कौन बोल रहा है? सर नहीं है। हाँ ये तो दोनों कंपाउंड ही सेम है, देखो ढंग से, ये दोनों कंपाउंड सेम है। इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? एक कार्बन, इधर तीन। इसका नाम भी क्या है, मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर। ये भी तो यही है, मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर। अब जैसे मैंने ये दे दिया फिफ्थ सी टू एच फाइव एस सी थ्री एच सेवन, क्या सेकंड और थर्ड, सेकंड और फिफ्थ बताओ मेटामर्स हैं कि नहीं? सेकंड और फिफ्थ नो सर। नो सर। रीजन? नंबर ऑफ कार्बन सेम। ये तो दोनों आइसोमर्स ही नहीं है, सेकंड और ये भी चेक करना, सेकेंड और फिफ्थ तो आइसोमर्स ही नहीं है क्योंकि कार्बन एटम इसमें पांच हैं और ऊपर कितने हैं, चार। अब ध्यान सुनना अगला क्वेश्चन, फर्स्ट और फोर्थ मेटामर्स, फर्स्ट और थर्ड पहले मेटामर्स है कि नहीं? फर्स्ट और थर्ड मेटामर्स है कि नहीं? बोलो फर्स्ट और थर्ड है कि नहीं मेटामर्स? देखो अगर इस डेफिनेशन पे जाओगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तब तो नहीं है ये, नहीं तो कनेक्टिविटी तो डिफरेंट है ना। देखो वन एक कार्बन, एक कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, लेकिन कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? ये दो तरीके हैं सोचने के इसको, जैसे मैंने तुम्हें ये दिया देखो सी एच थ्री ओ सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, एक ये दिया और एक दिया सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। तो दो तरीके हैं सोचने के, अगर तुम इसका आईबीसी नेम करोगे तो वन टू थ्री, ये क्या है टू मिथॉक्सी प्रोपेन, ये है टू मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये क्या है वन मिथॉक्सी प्रोपेन, ये क्या है वन टू थ्री वन मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अगर तुम सोचोगे तो ये पोजिशन आइसोमर्स भी है, लेकिन अगर ऑर्डर चेक करो आर टी एफ एम सी पी, आर टी एफ एम सी पी, तो ये दोनों मेटामर्स भी हैं, पोजिशन आइसोमर्स भी हैं, तो क्या बोलेंगे मेटामर्स, क्या बोलेंगे मेटामर्स। समझे कि नहीं है? ऐसी और एग्जांपल, क्योंकि कनेक्टिविटी में डिफरेंस है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ये दिया सी एस थ्री सील बॉन्ड ओ सी थ्री एच सेवन,
C2H5, C11O, C2H5. अब बताओ ये दोनों मेटामर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स? ये दोनों मेटामर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स? दोनों हैं पर प्रेफरेंस ऑर्डर से मेटामर्स हो गए। हाँ दोनों हैं ये, लेकिन प्रेफरेंस ऑर्डर चेक करेंगे तो मेटामर्स M पहले आता है, तो ये दोनों मेटामर्स, ये दोनों क्या है? मेटामर्स। कोई डाउट किसी को? चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब, ये क्या है? मेटामर्स। अब जैसे ये दिया मैंने, ये भी कॉमन एग्जांपल है, इसको बना दिया, सी डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, और इधर लिया सी एस थ्री O C C S थ्री C S थ्री H। अभी नहीं क्या बोलोगे? इसको ट्राई करो, इसको ना इसके साथ ग्रुप लगा दो कोई, तो ज़्यादा सही रहेगा। O और C डबल बॉन्ड O, ये ज़्यादा बेटर है। ऐसे इधर O और C डबल बॉन्ड O, ये दोनों क्या होंगे? मेटामर्स होंगे कि नहीं? है एस्टर की फॉर्म ली है, एस्टर की फॉर्म ली है, इसके इधर क्या ग्रुप है वो चेक करो, इसके इधर क्या ग्रुप है और इधर क्या ग्रुप है? इधर ट्रांसफॉर्म है तो इसके इधर क्या ग्रुप है? सी एस थ्री, वो सही है, लेकिन इधर कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है, इधर सिस फॉर्म है, तो दोनों क्या होंगे? मेटामर्स। मेटामर्स दे विल बी, ये दोनों कंसीडर करेंगे इनको मेटामर्स में, सही ना? दे विल बी कंसीडर्ड एज मेटामर्स, समझे कि नहीं? है क्योंकि कनेक्टिविटी डिफरेंस है, कनेक्टिविटी में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मेटामर्स में कंसीडर करेंगे इसको, इसको मेटामर्स में कंसीडर करेंगे, सही ना? अच्छा नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, मेटामर्स तुम कर लोगे एक बार, चलो एक क्वेश्चन निकाल लेंगे, फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं टॉटोमरेज, स्टार्ट करेंगे आगे टॉटोमरेज। तुम बनाओगे स्पेशल केसेस भी तुमने पढ़े होंगे, लेक्चर जैसे पढ़ लिया, स्पेशल केसेस पढ़ा हुआ, जैसे इन दोनों को भी मेटामर्स बोल सकते हैं। यहाँ C2H5, यहाँ C2H5, इसका मेटर मेटामर बनाना है तो यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ C3H7 कर दिया, तो ये दोनों क्या होंगे? मेटामर्स। ये दोनों क्या होंगे? मेटामर्स, समझे कि नहीं? अब मैंने तुम्हें दिया C5, ये मैं हर बार देता हूँ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C5H10O2, इसके मेटामर्स ड्रॉ करो, इसके मेटामर्स ड्रॉ करो, कितने बनेंगे?
बोलो मैं तो जल्दी चुप रह जाते हो कुछ नहीं चलो हट जल्दी अब चलिए यहाँ से 10 मिनट बाद आइए चलिए अब आवाज नहीं आनी बिल्कुल टक टक की भी हाँ बना लिया सबने यस सर हाँ बोलो सर 3 बन रहे हैं यस सर थ्री आइसोमर्स देखो सर सी एच थ्री सील बॉन्ड ओ ओ और सी टू एक मिनट दो कार्बन ये रहे और तीन चाहिए हमें सी थ्री एच सेवन ये आ जाएगा इसके अलावा देखो एक ले लिया हमने सी डी एच फाइव सील बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री ये आ गया फिर ले लिया आप पे इसके अलावा H ले लो O सी फोर एच नाइन आ जाए दूसरे तो कार्बन नहीं है लेकिन ये काउंट हाँ ये काउंट होगा इसमें नहीं है तो भी काउंट होगा मेटल एस्टर्स के केस में मेटामर में ये काउंट होता है एस्टर में और एनहाइड्राइड में एस्टर में और एनहाइड्राइड में मेटामर्स में काउंट होगा नहीं दूसरे वाले में कार्बन चार कर दिया ना आपने अच्छा वो तो सी डी कर दो इसको सी डी कर दो बना लोगे ना इस वजह से अर्नव यस सर क्लियर हो गया कि नहीं है यस सर चलो ये तुम एग्जांपल कर लेना नेक्स्ट अबाउट टॉटोमेरिज नेक्स्ट अबाउट टॉटोमेरिज यही मेन टॉपिक है पढ़ाने वाला यही सबसे इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज जिसके नाम बहुत सारे हैं टॉटोमेरिज में डेस्मोट्रोपिज्म में ये सब तुमने वीडियोस में चेक किया होगा टॉटोमेरिज्म डेस्मोट्रोपिज्म प्रोटोट्रोपिज्म या कैटायनोट्रोपिज्म जिसमें कैटायन या प्रोटॉन मूव करेगा एलिलोट्रोपिज्म क्रिप्टोमॉर्फिज्म ये सब इसी के नाम है सही ना ये सब इसी के नाम है टॉटोमेरिज्म ये क्या है ये इसमें क्या आइसमर जो होते हैं ना अभी तक जितने भी आइसमर हमने पढ़े हैं पीछे वो सब कैसे थे अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सब अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं समझे कि नहीं वो सब अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन जो टॉटोमर्स होते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ये हमेशा एक दूसरे के साथ मतलब दोनों आइसोमर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे हाँ एक की परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी तो दूसरे की बहुत कम होगी एक की परसेंटेज ज्यादा होगी तो दूसरे की परसेंटेज क्या होगी कम होगी ये क्या है टॉटोमर्स और इसमें एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया हुआ है जैसे इथेनल लिया तो इसमें क्या होगा सिग्मा बॉन्ड भी टूटता है ध्यान रखना इसमें सिग्मा बॉन्ड भी टूटता है अब ये क्या होगा इसके अंदर ये स्टेबल जा रहा है ये कम स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ये इलेक्ट्रॉन ले गया इधर और आंसर आ गया अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है जो अल्फा हाइड्रोजन है मतलब कोई भी कंपाउंड जैसे ये टोटोमेरिज शो करेगा कि नहीं ऐसे दिया कुछ तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन दो है ना तो शो करेगा ये अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है साथ में ग्रुप क्या होना चाहिए एल्डिहाइड होना चाहिए कीटोन होना चाहिए बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो टॉटोमर शो करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो सकता है अब देखो सी एच थ्री सी एच ओ है सी एच टू बॉन्ड सी एच ओ है ये दोनों क्या है टॉटोमर्स हैं दे विल बी एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर दोनों में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत फास्ट रेट से कन्वर्ट होंगे लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे परसेंटेज जो है कीटो फॉर्म का बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनोलिक फॉर्म रीजन अगर आता है तो स्कूल में सिंपल यही तरीके से कहते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है सही ना सी डबल बॉन्ड ओ सील बॉन्ड ओ जो है ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है ओ और एफ ये दोनों ऐसे एटम्स हैं जिनके साथ हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है ओ और एफ ऐसे हैं जिनके साथ हर कोई बॉन्ड बनाना क्या करता है पसंद करता है तो इसमें सील बॉन्ड ओ है नीचे सील बॉन्ड सी है नीचे क्या है सी डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ओ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सील बॉन्ड सी इसलिए क्या होगा कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल है मतलब इसकी परसेंटेज तुम कहोगे ना तो 10^-4 10^-5% है 100% लगभग 99.999% होगा इसका
कीटो फॉर्म, ये 99.999% होगा, नीचे क्या आएगा इनोलिक फॉर्म, क्या होगी इनोलिक फॉर्म कितनी होगी, बहुत कम, 10^-4%। ऐसे ही अब कीटोन ले लिया मैंने, अल्फाजन तुम्हें बता दी यहाँ पे क्या है और कैसे यूज करेगा ये। अब मैंने ले लिया कीटोन मोनो वाले में, कीटोन, ये कीटोन ले लिया, तो इसमें भी CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 ये आएगा, CH2 बॉन्ड COH CH3 आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखो सी बॉन्ड सी है, यहाँ सी डबल बॉन्ड हो गया, यही चेंज आ रहा है ना, अल्फाजन मूव करेगा, 6 अल्फाजन थे तो इसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा, इसकी परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे 10^-4 होगा, 10^-3% हो जाएगा इस तरीके से, तो कुछ परसेंटेज इसकी बढ़ जाएगी, सही ना, कुछ परसेंटेज इसकी बढ़ जाएगी। तो ये होगा, ये थे मोनोकार्बोनिल, मोनोकार्बोनिल थे, मोनोकार्बोनिल में अगर मैं साइक्लिक में लूं परसेंटेज, साइक्लिक में, तो साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ आया और ये आया, अब बताओ इसके अंदर परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, क्यों होती ज्यादा, यही ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ये कम करेगा, इसकी परसेंटेज बढ़ गई, क्यों बढ़ी है, ये 1.2% हो जाता, ये 98.8%, क्यों होता है ऐसा, ये क्यों होता है ऐसा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ रिपल्शन कहते हैं और एक टर्म आती है गैरोज एंट्रोपी, क्या तुम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी टॉटोमेरिस, गैरोज एंट्रोपी ये पढ़ा है कि नहीं अभी, इस वाले ओएच की ना एंट्रोपी ज्यादा होती है, मूवमेंट रेंडमनेस ज्यादा होती है, इस वाले ओएच की रेंडमनेस ज्यादा होती है, क्योंकि इसके बॉन्ड्स ये वाले साथ में मोनोकार्बन में, ये बॉन्ड्स फिक्स्ड है, ये बॉन्ड्स फिक्स्ड है, रिपल्शन कम देंगे, रिपल्शन कम देंगे तो इसकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होगी, और एंट्रोपी बढ़ने से रेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है हमेशा, ये थर्मो में भी पढ़ेंगे, एंट्रोपी फेवर कर रहा है यहाँ पे, उसको बोलते हैं गैरोज एंट्रोपी, तो इसकी परसेंटेज कितनी कुछ ज्यादा होगी, 1.2% है, यही स्टेबल है, तो यही स्टेबल, लेकिन कुछ परसेंटेज इसकी इंक्रीज होगी, सही ना, कुछ परसेंटेज इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, कोई डाउट, मोनोकार्बोनिल के अंदर अगर साइक्लिक फॉर्म है तो कुछ परसेंटेज इनोलिक फॉर्म की बढ़ जाएगी, स्टेबल क्या होगा, कीटोन फॉर्म ही, स्टेबल कीटोन फॉर्म ही है, लेकिन कुछ परसेंटेज इसकी बढ़ जाएगी, कोई डाउट किसी को, अब नेक्स्ट अब है, अगर हमें इसकी परसेंटेज बढ़ानी है, मोनोकार्बोनिल बता दिया मैंने तुम्हें, अब मैं लूंगा ऐसे डाइकार्बोनिल, डाइकार्बोनिल में दोनों चीजें ले सकते हैं, कैसे, एक तो हम ये ले सकते हैं डाइकार्बोनिल में, दोनों डबल बॉन्ड ओ एक साथ, परसेंटेज कीटो की ज्यादा होती है, दोनों डबल बॉन्ड एक साथ, या दोनों डबल बॉन्ड ओ अभी 1-2 पोजीशन पे है, 1 पे अगर ये है तो 2 पे ये है, ऐसे मैं मान रहा हूँ, और एक ले सकते हैं 1-3 पोजीशन पे, 1-3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 और 2, ध्यान रखना 1-2 में ना दोनों कीटो के अंदर रिपल्शन होती है, क्यों रिपल्शन होती है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, परसेंटेज इसी की ज्यादा है, ये ऐसे आ जाएगा इसकी इनोलिक, जैसे अगर तुम इनोलिक फॉर्म को देखो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जानी चाहिए, ये इस तरह से सी ओ एच और डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड ओ और ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी एच थ्री, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जानी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाती, इनोलिक फॉर्म उतनी स्टेबलाइज नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि ये दोनों ओ है, इनके पास दोनों पेयर है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेयर करेंगे और एग्जिस्ट करता है ये इस तरीके से। तो अब इसलिए जो ये वाला कीटो है ये नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ये ऐसे दिखाता हूं, ये नीचे की तरफ होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन टू एडजेसेंट ऑक्सीडेंट, तो इसलिए ये दोनों ऊपर नीचे होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है इसके अंदर, हालांकि ये वाला कीटो ज्यादा स्टेबल होते नहीं है, अगर हमने ऑक्सीडाइजेशन डाल दिया तो यहाँ से बॉन्ड टूट कर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बात की बात है, वो बात की बात है, उसको छोड़ दो भी, मेन तो मैं समझ आ गया ना, ये डाई कीटो कंपाउंड में 1-2 पोजीशन पे अगर कीटो ग्रुप है, 1-2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है
तो भी इनोलिक फॉर्म स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। अब 1,3 में अगर है, अब ध्यान देंगे 1,3 पे अगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1,3 वाला केस, या 1,3 वाला केस ना अभी तो नहीं हो पाएगा, जैसे ये वाला केस, एसिटाइल एसीटोन अगर ये वाला केस आ गया, एक मिनट कर दीजिए, एक मिनट कहेंगे CH3 इसके लेक्चर जरूर पढ़ के रखना, ये है एसिटाइल एसीटोन, क्लियर, ये एसिटाइल ग्रुप और ये क्या है एसीटोन, ये एसीटोन, तो एसिटाइल एसीटोन है तो उसमें स्टेबिलिटी मिल जाती है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH3 OH ऐसे लिया, नेक्स्ट टाइम मैं डिटेल में लूंगा इसको, ये तुम लोग लेक्चर पढ़ के रखोगे तो उसमें भी होंगे क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसकी परसेंटेज आती है 76% के आसपास, नेक्स्ट टाइम इसके मैं डिटेल में क्वेश्चन लूंगा, ये पढ़ के रखना जरूर। कीटो फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है हमारी, कीटो फॉर्म जो है वो स्टेबल होती है पानी के अंदर, पानी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखता है ग्रुप के साथ, कीटो फॉर्म जो है इट इज स्टेबल इन वाटर, यानी पोलर सॉल्वेंट में कीटो फॉर्म स्टेबल होती है और पोलर ए प्रोटिक के अंदर इनोलिक फॉर्म स्टेबल होती है, पोलर ए प्रोटिक के अंदर इनोलिक फॉर्म स्टेबल होती है, इसको मैं डिटेल में लूंगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ तक पढ़ के रखना और टोटल इस टॉपिक पढ़ के रखना जरूर मेरे लेक्चर से, तो अच्छा समझ आएगा फिर, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, ओके थैंक्स।